हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस समय रुलखोन यूनिवर्सिटी के परीक्षा फॉर्म से संबंधित सभी स्टूडेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी रुलखोन यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको चलिए फ्रेंड्स, आज की लेटेस्ट अपडेट आपको दिखा देते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, आप देख सकते होंगे आज की सबसे बड़ी अपडेट, छात्रों का जो रिकॉर्ड है वो गायब हो चुका है और छात्र जो है वो उन्हें परीक्षा फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते होंगे LLB, VLLB, VLib और आपको पता ही होगा MSW, PGDCA और आपके जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज हैं और इसके अलावा VLib, MLib के जो परीक्षा फॉर्म हैं वो इस समय ऑनलाइन फिल किए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते होंगे MJP रोहिलखंड विश्वविद्यालय के छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने में लगातार दिक्कतें आ रही हैं। पहले क्या हुआ था, BA, BSc, BCom, BBA, BCA के छात्र, और अब यहाँ पर क्या हो चुका है, LLB, VLLB, VLib, MLib और अन्य पाठ्यक्रमों के जो छात्र हैं वो यहाँ पर परेशान हो चुके हैं। कई छात्रों का जो वेबसाइट पर रिकॉर्ड है वो उपलब्ध नहीं है और जब भी छात्र अपना फॉर्म सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पर रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखा रहा है। छात्र कॉलेज और विश्वविद्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। हेल्पलाइन नंबरों पर फ़ोन करने पर भी समस्या का जो समाधान है वो नहीं हो पा रहा है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दर्ज आंकड़ों के अनुसार शनिवार शाम 5 बजे तक LLB के 425, VLLB के 162 परीक्षा फॉर्म ही फिल किए गए हैं। LLB, VLLB, VLib, MLib, MSW, PGDCA, विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रम और इसके अलावा LLM के जो परीक्षा फॉर्म है वो इस समय 6 अप्रैल से भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरने की अंतिम डेट यानी कि लास्ट डेट 17 अप्रैल निर्धारित कर दी गई है। जब छात्र फॉर्म भर रहे हैं तो वेबसाइट पर लिखा हुआ आ रहा है कि आपका फॉर्म गलत है या आपका जो डाटा है या आपका जो फॉर्म है उपलब्ध नहीं है। किसी स्टूडेंट्स का फॉर्म नहीं खुल रहा है। इसके अलावा सभी की अलग अलग समस्याएं सामने आ रही हैं। इसके अलावा अलग अलग शुल्क भी स्टूडेंट्स को दिखाई दे रहा है, यानी कि आपका जो परीक्षा फॉर्म का शुल्क है उसमें भी यहाँ पर डिफरेंस है। कई सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर 1750 लिखा हुआ मिल रहा है, कुछ स्टूडेंट्स को 1450 दिखा रहा है। शिकायत करने पर ये कुछ लोगों का सही भी हो गया। इस तरह की कमियों की वजह से नई एजेंसी को बताया जा रहा है, इस तरह की जो कमियां हैं वो क्या बताया जा रहा है, नई एजेंसी की वजह से ये सारी कमियां दिखाई दे रही हैं, जिसे इस बार विश्वविद्यालय ने फॉर्म भरने की जिम्मेदारी की। दोस्तों, अगर आपके साथ भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वेबसाइट पर जो हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध हैं आप उन पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, निश्चित रूप से आपकी समस्या का भी समाधान जो है वो कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की पल के अपडेट के लिए आपके साथ बने रहेगा। मिलते हैं अब एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।